नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ दो साइज के कप बनाने का तरीका, और उसे देख करके आप अपने साइज के लिए भी कप्स बना सकते हो। 36 और 40 साइज के लिए आइए कटिंग सीखते हैं। के लिए सबसे पहले देखिए जो पेपर है उसकी लंबाई और चौड़ाई, ये कितना है 9 इंच। और इसको दूसरी साइड से भी देख लेते हैं, ये भी है 9 इंच। 9 स्क्वायर 9 का 1 ले लिया है। और ये जो दूसरा पेपर है ये है 9 स्क्वायर 4.5 का, ठीक है। तो दो पेपर हम लेंगे, इसके भी हम इस तरह से दो पार्ट्स करके इसको कट करेंगे, और इसको हम इस तरह से दो पार्ट्स करके कट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप देखेंगे एकदम सिंपल, एकदम इजी तरीका है कप्स तैयार करने का। और शायद मैं समझती हूँ कि इससे सरल तरीका कोई नहीं है। तो इसके जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, या भी हम इसको कट कर लेते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है। इसी तरह से जो ये वाला पार्ट्स है इसको भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह से करेंगे इसको हम, और इसकी दो पार्ट्स कर लेते हैं, यहाँ से कट करके दो पार्ट्स कर लेंगे। बस इतनी ही आपको कटिंग करनी है, ये हो गए इसके दो पार्ट्स। अब एक पार्ट्स को हम इसके अंदर ज्वाइंट करेंगे, एक पार्ट्स को हम इसके अंदर ज्वाइंट करेंगे। एक ये कप होगा, एक ये कप होगा। अब इसको कपड़े पे कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो सिलाई वो भी हमें कैसे करनी है, तो सिलाई भी देखेंगे। इससे पहले हम 40 साइज के लिए भी देख लेते हैं। ये है 40 साइज के लिए कप्स के लिए, ये भी समझा दे। इसी तरह से आप अपनी साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो 40 का 4th पार्ट होता है 10 इंच, और इसको इस तरफ से भी देख लेते हैं, ये भी है 10 इंच, यानी 10 स्क्वायर 10 का एक पेपर लेंगे। और दूसरी वाला भी आप देख सकते हैं, ये है 5 इंच, और इस तरफ से ये होगा लगभग 10 इंच। तो ये 5 स्क्वायर 10 का, और ये है 10 स्क्वायर 10 का। अब आपको क्या करना है, किसी भी साइड से आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा स्क्वायर में है, तो किसी भी साइड में आप फोल्ड करके इसको भी हम 5 स्क्वायर 10 का कर लेते हैं। ये देखिए जैसे ये है ना 5 स्क्वायर 10 का, इसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं 5 स्क्वायर 10 का। और अब ये जो लाइन है इससे हम कट करके इसको अलग कर लेते हैं। ये दो पार्ट्स हो गए। अब जो ये पार्ट्स हैं इसको हम इस तरह से करेंगे, और इस तरह से इसके भी दो पार्ट्स कर लेंगे। बस इतनी ही आपको कटिंग करनी है, ये हो गए इसके दो पार्ट्स। अब एक पार्ट्स को हम इसके अंदर ज्वाइंट करेंगे, एक पार्ट्स को हम इसके जो अंदर ज्वाइंट करेंगे। एक ये कप होगा, एक ये कप होगा। अब इसको कपड़े पे कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो सिलाई कैसे होती है, कप्स जो है वो कैसे तैयार होता है। बहुत एकदम सरल तरीका है। तो इस वीडियो में मैंने आपको दो साइज के कप्स बनाने की कटिंग आपको बताई है, एक 36 साइज का स्टार्ट के अंदर, और ये 40 साइज का। दो कप्स के मैंने आपको पैटर्न कटिंग करना बता दिया, मैं आपको सिल के भी बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, अगर आप 44 साइज के लिए बना रहे हो, 32 साइज के लिए बना रहे हो, तो इसी तरह से आपको कटिंग करना है। 8 स्क्वायर 8 का पैटर्न लेकर, 11 स्क्वायर 11 का पैटर्न लेकर के, और दूसरा पैटर्न हाफ होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों जो पैटर्न थे वो कटिंग कर लिए कपड़े पे, और अब मैं आपको इन दोनों को स्टिच करना भी बता रही हूँ, एकदम सिंपल और आसान से तरीके से कप्स कैसे तैयार करें। ये सिलाई करेंगे यहाँ तक, उसके बाद ये वाली इस तरफ में करेंगे। तो चलिए सिलाई देख लेते हैं, क्योंकि बताने से और देखने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो आप जब इसको इस तरह से देखेंगे आपको पता चल जाएगा किस तरह से कप्स जो है एकदम आसानी से स्टिच हो जाता है। ये एक साइड हो गई है, अब सुई को अंदर रखेंगे और इस साइड को इस तरफ फोल्ड कर लेंगे, जो छोटे वाला जो पार्ट्स है उसकी साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। बस सिलाई हो गई कंप्लीट, कप्स हो गया तैयार।
अब मैं आपको इसको थोड़ा सा खोल करके दिखाती हूँ कि देखिए कैसे जो है एकदम से बहुत ही खूबसूरत और हेवी से हेवी साइज में आप इसे बना सकते हो। तो देख सकते हो कितना बढ़िया ब्रा का जो कप है वो रेडी हो गया है। तो इसी तरह से आप हर साइज की जो कप है वो तैयार कर सकते हो। दोनों कप स्टिचिंग करने के बाद आपको इसको नेक लाइन से लेकर के और नीचे तक फोल्ड करना होता है, फिर आपको नीचे की पट्टी और बैक की पट्टी में जॉइंट करके ऊपर की स्ट्रिप लगानी होती है। थैंक यू।